Good afternoon, DAV Ambuja, future chartered accountants, bankers. The commerce is the language of happiness. जो पैसा संभालना जानता है वो आप लोग ही होते हो. और कैसे, हम साइंस वाले तो उड़ा देते हैं भाई. ठीक, तो आप लोगों को पहले तो आई एम ग्रेटफुल टू प्रिंसिपल ऑनरेबल मुकेश ठाकुर सर. सम 5 years ago आई केम टू दिस स्कूल एंड आई मेट सम ऑफ द स्टूडेंट्स एट दैट टाइम. एंड आफ्टर दैट आई गॉट अ चांस टू विजिट 137 स्कूल्स एंड मेट मोर देन 1,70,000 प्लस स्टूडेंट्स. आई हैव स्टार्टेड इन इंग्लिश, हिंदी में करते हैं. तो मैं 1,70,000 से ऊपर स्टूडेंट्स को मिला. बच्चों ने बहुत रिस्पेक्ट दी, प्यार दिया, और स्कूल प्रिंसिपल्स ने भी बहुत पसंद किया. मेरा एक मिशन है, शायद मेरे से पूजा पाठ नहीं होता, ठीक है. मैं भगवान को मानता हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन एक गाना है ना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ. तो मुझे मेरा भगवान मुझे अपने स्टूडेंट्स में दिखता है. जब मैं आपसे मिलता हूँ तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है. जब मैं आपसे मिलता हूँ मुझे लगता है यार मैं ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं ना, आप कुछ भी कर सकते हो. क्यों, जिंदगी स्टार्ट है और जैसे सेशन शुरू होता है तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस बार टॉप करना है. फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आती हैं. आज हम उस प्रॉब्लम्स को खाली डिस्कस नहीं करेंगे, उसका सलूशन भी ढूंढेंगे और उसको ख़त्म करके फजूल के जितने भी ऐप्स हमारे दिमाग में डाउनलोडेड हैं वो सारी आज री इंस्टॉल की बजाय अन इंस्टॉल करके डिलीटेड फॉर एवर कर देंगे. चलेगा, डन. नाउ एक क्वेश्चन आता है कि हम एक स्टूडेंट हैं और हमारी ज़िंदगी टेस्ट्स में, सिलेबस में, पढ़ाई में, यूनिफॉर्म, ब्रेकफास्ट ले जाने में, स्कूल टाइम में बैठने में, क्लास में बेइज्जती ना हो जाए. ठीक है, आज टेस्ट है सर ना डांट दें, राइट. मुझे इकोनॉमिक्स में टेंशन पड़ी हुई है, या मुझे मैथ्स में टेंशन पड़ी हुई है, या मुझे इसमें टेंशन पड़ी हुई है. इसी में हमारी ज़िंदगी घूमती रहती है. और स्कूल आवर्स के बाद, स्कूल टाइम्स में ये टेंशन रहती है कि आज टेस्ट है तो पता नहीं क्या होने वाला है. और टेस्ट हो गया तो जब क्लास में मार्क्स अनाउंस करेंगे तो इंसल्ट होने वाली है. मतलब हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं, हमेशा अपने आप को हम डिग्रेडेड करके रखते हैं. क्यों ऐसा करते हो आप, उसका वजह पता क्या है? हमारा सोशल स्ट्रक्चर सिस्टम. इस देश में ये चीज़ बड़ी मायने रखती है, प्राण जाए पर बचन न जाए, मेरी इज्जत की पगड़ी तुम्हारे पाँव में है. माँ बाप सुबह बोलते हैं कि बेटा कोई भी ऐसा गलत कदम मत उठाना जिससे खानदान की बेइज्जती हो जाए. बेटा हमें तुम पर नाज है, हम तुम्हें खूब मेहनत करके बड़ी मेहनत से फीस दे के पढ़ा रहे हैं और तूने माँ बाप का नाम चमकाना है, रोशन करना है. इस सारे के सारी चीज़ें हमारे दिमाग में डाउनलोड होती हैं और हम स्कूल में आ जाते हैं. क्लास शुरू होती है, टीचर पढ़ा रहा होता है. कभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा होता तो हमें बहुत अच्छा समझ आता है, कभी टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा होता तो हमें समझ नहीं आता. इसमें हमारी दो हेल्थ होती है, इमोशनल, होप यू आर कंफर्टेबल विद माई लैंग्वेज एंड यू आर कंफर्टेबल विद माई सेशन. फिर से बोल दूँ, इस सेशन को ना तो मैं किसी YouTube से किसी से इंस्पायर हुआ, फिर बच्चों से हुआ, ना ही मैं कभी किसी का सुना है. मैंने खुद अपने लेक्चर भी नहीं सुने हैं. पता नहीं क्या होते हैं, वो अपलोड हो जाते हैं. ये विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल नोट कर लीजिए, उस पर फ्राइडे को रात को मिल जाएगा आपको. इस पर यहाँ विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल. और अगर आप मेरा प्रोफाइल देखना चाहते हो, गूगल पे जाओगे तो विपिन शर्मा फिजिक्स डालोगे तो मेरा प्रोफाइल भी आ जाएगा. एनीवे, तो इमोशनल
EMOTIONAL, इमोशनल. एक होती है पॉजिटिव हेल्थ, एक होती है नेगेटिव हेल्थ. अब इमोशनल पॉजिटिव हेल्थ क्या होती है? आपका पेपर है अकाउंट्स का और आपने बड़े अच्छे से तैयारी की है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज बड़ा डिफरेंट होगा. आप लोग स्कूल 9 बजे लगता है, आप बस वाले को लगे लेट क्यों हो रहा है यार, बस वाला आएगा, उतरे गए नीचे 12, तो मैं भी स्टूडेंट हूँ कॉमर्स का, ये भी स्टूडेंट है, हाय ब्रो हाउ आर यू, सो फाइन. हाँ, और यार आज टेस्ट है अकाउंट्स का. हैं, अकाउंट्स का टेस्ट है आज? ठीक है, तू मेरे को बोलेगा यार आज टेस्ट है अकाउंट्स का, बोले यार आज टेस्ट अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स का टेस्ट है. ओ यार मैंने तो तैयारी नहीं की, मंदिर दिख गया. हे हनुमान जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तु, लोक उजागर कर दो कुछ कमाल, 5.25 रुपये चढ़ाऊंगा. हनुमान जी वहाँ पर प्रसन्न है, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वो ज्ञान के सागर हैं. अब सीन टू, फिर बोले यार आज टेस्ट अकाउंट्स का, तो फिर क्या है, तैयारी है? करके आया हूँ तैयारी, तू क्या बोल रहा है? अच्छा देखते चलो, उड़ाऊंगा एक एक क्वेश्चन को आज. अच्छा जी, बेल बजी, टेस्ट शुरू हुआ, उड़ा दिया. घर गए, क्या बनाया आज? बेटा मैंने तो दाल चावल. क्या है दाल चावल? पता आज अकाउंट्स का टेस्ट दे के आया हूं और सारे क्वेश्चंस ठीक हैं, आज पनीर हो जाए. तो एक क्या है, बैठो, एक इमोशनल पॉजिटिव हेल्थ, जब तैयारी नहीं है तो इमोशनल नेगेटिव हेल्थ. अब इमोशनल पॉजिटिव हेल्थ कैसे हुई? माने मेहनत की, माने तैयारी की और मैं आ गया. इमोशनल नेगेटिव हेल्थ कैसे हुई? मैंने तैयारी नहीं की, मैं डाउन चला गया. अब उससे और सारी चीजें होती हैं. जब घर में आप एक गलती कर दो तो जो गलती आपने कभी नहीं भी की वो भी सुनने को मिलती है. पहले भी तूने ऐसे किया था, तेरे को सुबह 5 बजे उठाया, पढ़ ले, पढ़ी नहीं, पढ़ा नहीं, और चाय रखी वो ठंडी पड़ी है बैठ के नीचे, देख पड़ी है कि नहीं. हाँ, फिर उसके 6 बजे तेरे को रखे दूसरा गिलास भी पड़ा है. अब बताता हूं तेरे फादर को मैं, मम्मी प्लीज काय को क्लेश करते हो, पहले बड़ा पंगा चला हुआ है. ठीक, सो लॉजिक क्या है? ना भी कोई गलती हो, तेरा दिमाग पढ़ाई में नहीं है, तू व्हाट्सएप पे फंसा या फंसी रहती है, तू इंस्टाग्राम पे रीलें बनाती रहती है. क्या हुआ, किसी भैंस ने आज तक कभी इंस्टाग्राम पे रील बनाई है? जो मैंने बना ली फिर क्या हुआ, इंसानों के लिए बनी है. पता नहीं हम लोगों को डे नाइट क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है बिना मतलब के, सिर्फ इसलिए कि हम मार्क्स लेके आए. मार्क्स लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. क्या है, 2-3 घंटे की सेल्फ स्टडी होती है फोकस्ड. अब वो सेल्फ स्टडी क्या है, ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है. फॉर एग्जाम्पल, आप घर में सेल्फ स्टडी करने लगे, आप कुछ पढ़ने लगे, मैथ्स है आपको, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, हाँ APGP, APGP है ना, चलो मेरे को APGP पता है. तो आप मैथ्स पढ़ रहे हो, APGP, एनी सीक्वेंस विच हैज गॉट ए कॉन्स्टेंट कॉमन डिफरेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सम ऑफ एन टर्म्स इज एन अपॉन टू ए प्लस एल और एन अपॉन टू टू ए इंटू एन माइनस वन इंटू डी. पढ़ा हुआ है ना आपने, जीपी क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम हो, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है ना. सो एस एग्जाम्पल दे रहा हूं माई डियर स्टूडेंट्स. अब क्या है, एक ने स्कोर किया तो वो जो स्कोर किया अच्छा, उसको बोले यार तेरे मार्क्स बड़े अच्छे आए हैं. हाँ मैं कालू भैया के पास पढ़ता हूं, कालू भैया पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. जो मेरे स्कूल वाले सर हैं उनसे भी अच्छा पढ़ाते हैं. अच्छा, बाद में पता चला वो खुद ही पढ़ने में अच्छी थी, कालू भैया ने ऐसी बुला लिया था कि तेरे को मैं फ्री में पढ़ा दूंगा, लेकिन तू किसी को मत बताना, जब तेरे मार्क्स अच्छे आएंगे सबको बोल देना मैं कालू भैया के पास पढ़ती थी. इस तरह से कालू भैया का एक ग्रुप बन जाता है जिसमें फर्स्ट वही बच्चा आ रहा होता है और वो भी हफ्ते में 6 दिन क्लास है. मान लो पहली बात तो जो 6 दिन पढ़ा रहा है वो पढ़ा ही नहीं रहा है, पढ़ाई 3 दिन होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी कब करोगे. तो 6 दिन में पढ़ा रहा है, उसमें 3 डेज तो आपके इधर उधर ही निकल गए. अब आती है बात कोचिंग्स पे, मैं कोचिंग के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन
स्कूल किस लिए बने हैं? गुल्ली डंडा खेलने के लिए तो नहीं बने, खाली फुटबॉल खेलने के लिए तो नहीं बने, खेलने के लिए भी बने हैं, कोचिंग खेलने के लिए नहीं है। अब स्कूल में 9 to 3 रहे, उसके बाद आप कोचिंग्स में चले गए, कोचिंग में जाने के बाद 6-7 बजे वापस आए, तो किस वक्त आप सेल्फ स्टडी करोगे? बस यही है कि सब्जी के बाजार में गए, मार्केट में बजा के सब्जियां खरीदते जाए, फ्रिज भर दिया, खाने का टाइम नहीं है, जब बनाने लगे नींद आ गई, सो गए, फ्रिज भरा हुआ है, अगले दिन फिर भर लाए, ओवरलोडेड हो गया, खाया 3 दिन से कुछ नहीं, क्यों? टाइम ही नहीं मिलता सब्जी काट के खाने को। माय डियर स्टूडेंट्स, जब बाजार से आप लेके आओगे ना सब्जी, इट इज़ इजी टू ब्रिंग सब्जी, इट इज डिफिकल्ट टू कट द सब्जी, देन इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू कुक द सब्जी। मुझे कुकिंग नहीं आती, मुझे सिर्फ एक ही आता है कुकिंग में, बोलो क्या? पानी उबालना, आई कैन बॉयल द वाटर, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप लोग क्या करने जा रहे हो, आप लोग उसी ही टहनी को काट रहे हो जिस टहनी पे आप बैठे हो, क्यों? ये आपका क्या है? जीरो है। और इसी से आपके मैथ्स में, फिजिक्स में, जिस भी सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स में, जिसमें भी आपके मार्क्स आएंगे, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, कोई माइका लाल कोई माइके लाली आज तक बिना सेल्फ स्टडी के मार्क्स नहीं ले सकती। हाँ, उसमें संतोषी माता आ जाए, अगर शक्तियाँ आ जाए, अगर देवी शक्ति आ जाए, वो लिख दे पता नहीं, अदरवाइज बिना मेहनत के मार्क्स नहीं आते, मानते हो? और वो मेहनत क्या बोलते हैं, मेहनत का दूसरा नाम क्या है? अब आती है बात, सेल्फ स्टडी को हम कैसे करें, कोचिंग भी हम कैसे लें। आज मैं आपको आपके घर में ही कोचिंग सेंटर खोलने जा रहा हूं, आपके सभी के घर में। पापा को बोलना कि जब भी मेरी शादी हो 20-25 हज़ार रुपये कम खर्च कर देना, मुझे एक लोकल हमारे सिटी के बंदे से एक डेस्कटॉप ले दो जिसकी स्क्रीन बड़ी हो, 36 इंच तो होनी चाहिए मिनिमम, एंड वो जो स्क्रीन है वो बड़े वाली होनी चाहिए। बड़े वाली स्क्रीन क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बड़े वाली स्क्रीन पे आईज पे स्ट्रेन नहीं पड़ता। और जैसे आपका ये डेस्क है, ये टेबल है, ऐसा ही डेस्क टेबल घर में भी होना चाहिए, मानते हो? अब आपने क्या करना है, आपने घर गए, पहले स्कूल का जो नेसेसरी होमवर्क है उसको किया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब पे चले जाना है। आपके कॉमर्स का कोई भी उस पर टॉपिक हो, नॉट ओनली कॉमर्स, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री, साइंस वालों को भी बोल सकते हो, छोटे भाई बहन को भी बोल सकते हो, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, इवन तो नर्सरी की राइम्स भी मिलती हैं। मैंने बड़े पेरेंट्स देखे हैं कि वो ITV से लगा के बच्चे को, वो छोटे बच्चे पैदा होते ही वो बैठा टेबल उस पे, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी बोल चुप, राइट? ठीक है, तो यूट्यूब पे आप स्कूल का होमवर्क करने के बाद नोट्स अपनी कॉपी लगा लो। आपका नाम पीयूष, यूट्यूब कोचिंग सेंटर, खुद का ही, खुद ही अपने आपको फीस भर देनी है, 1200 रुपये पर सब्जेक्ट, अपने गल्ला वो लगा लो डब्बा, उसमें 1200 पर मन डाल रहे हैं भाई, 1200 में से 50 रुपये कॉपी के ऊपर खर्च कर देना, एक पेन ले लेना बढ़िया वाला, नोट्स बनाओ, टीचर पढ़ा रहा है आपको, नोट्स पढ़ाओ, ठीक है? समझ नहीं आया, पॉज करो, रिवाइंड करो, रीप्ले कर लो, कोई एक्सक्यूज नहीं बनाएगा। एक टीचर से पूछोगे, दो बार पूछोगे, तीन बार पूछोगे, खुद को शर्म आएगी, समझ तो आया नहीं, टीचर को लगा छोड़ो यार, क्या सर, हाँ आ गया सर, आ गया पक्का, आ गया, आ गया, वहाँ क्या है, सर इज ऑलवेज विद यू, ए टीचर इज ऑलवेज बेस्ट एट द चॉक विद द बोर्ड और मार्कर और स्मार्ट बोर्ड स्टाइलिस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हो, नोट्स बन रहे हैं, अपने स्कूल टीचर से चेक करवाओ के, मैम मैंने ये ट्यूशन रखी है, कहाँ? मैम घर में। किसके पास? मैम यूट्यूब पे। अब कई बार हमारी डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी होती है, बेटा नेट पे मत जाओ, मैम आपके स्कूल की बात नहीं कर रहा जनरल, आपको तो व्हाट्सएप नहीं डाउनलोड करना आता, तो आपको तो देख के नेट से टेंशन पड़ती है, इसलिए आप इसको बुरा बोलते हो, विदाउट इंटरनेट हम तरक्की नहीं कर सकते, अग्रीड? अग्रीड? अग्रीड?
गिरे हुए को जरूर उठाओ, उठाओ। ओके, जिंदगी में कभी किसी को गिरने नहीं देना बॉस, ठीक, दोस्त को तो खास तौर पे। तो कैसा लगा ये आइडिया, कितने लोगों को अच्छा लगा? बढ़िया। अगला पॉइंट सर, सेल्फ स्टडी में ना बड़ी दिक्कत आती है। क्या हम कुछ भी पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हम पंखे को देखते हैं, ट्यूब को देखते हैं, या ऐसे बीम को देखने लगते हैं, अच्छा ये बीम है, ये अंबुजा सीमेंट से बना और सीमेंट में जान है, राइट। अच्छा अंबुजा ने कितना गजब बिल्डिंग बनाया है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो अंबुजा इज ए वेरी पावरफुल आई मीन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ओन बाय मिस्टर अडानी आई थिंक, है ना। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक इज दिस दैट हमने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, खुद को ही पढ़ाओ, बोल बोल के पढ़ो, डिसट्रैक्शन तो होती है। मान लो पढ़ते पढ़ते कुकर की सीटी बजी, क्या बनाया मम्मा? बेटा खिचड़ी। क्या खिचड़ी, राइट। तो आपके अंदर नेगेटिविटी, इमोशनल नेगेटिव हेल्थ आनी शुरू हो गई। क्या मैं कुछ पॉइंट्स पकड़ रहा हूं जो टच कर रहे हैं आपको? अब लड़कों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये व्हाट्सएप देखेंगे, फिर इनका कोई फ्रेंड होगा उसको भी देखेंगे, जिस पे इसको फ्रेंड का फ्रेंड का पर शक है उसको भी देखेंगे, अगर वो दोनों ऑनलाइन है तो इसको टेंशन है। फिर अगले दिन पूछेंगे तुम उससे क्या बात कर रहे थे, किससे? माय गॉड, मैंने तो कभी चलाया नहीं मम्मा कसम। अरे मैंने देखा तुम भी ऑनलाइन थे, वो भी ऑनलाइन था। अरे नहीं, ये पापा के पास फोन था, शुक्र है तूने फोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया। अच्छा तुम्हारे पापा चलाते हैं? हाँ, हमारे घर में हमारा कोई भी फोन कोई लॉक ही नहीं है। लॉजिक क्या है? हम सब में अट्रैक्शंस होती है, हम सब है एक एक इंसान को पसंद करते हैं, हम सब में इन्फैचुएशंस होती है ना। मेरा पहाड़ी बच्चा बड़ा खुश हुआ है ये सुन के। इधर इधर इसने 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 बड़ी खूबसूरत सी स्माइल मारी ऐसे आंखें। हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स यू हैव? झूठ मत बोल, झूठ बोलेगा तो कुत्ता काटेगा। मैंने पूछा हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स यू हैव, कहता एक भी नहीं। मैं कहा झूठ बोलेगा तो कुत्ता काटेगा। आप बोलते सर कौवा, आज तक कौवा काटे का कोई केस नहीं आया, तो कुत्ता गाना। एक्चुअली पता क्या है बेटा, हम लोगों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता क्या है, हम अपने पेरेंट्स में अपना दोस्त नहीं ढूंढते। जिस दिन तुम अपने मम्मी पापा में अपना बेस्ट फ्रेंड ढूंढ लोगे, आपको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आपके मम्मी पापा अगर नहीं है प्रॉपरली उस आइडियोलॉजी से, तो कोई भी ऐसा एक इंसान जरूर आपको होगा लाइफ में जिससे आप मन की बात करो। मेरे को वो मिला, मैंने बहुत ढूंढा जी, कई साल ढूंढा, एक दिन वो मेरे को मिला। कैसे? मैं शीशे के आगे खड़ा, मैंने कहा तेरे से बेटर तो मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड ही नहीं है, यू आर द मोस्ट हैंडसम पर्सन, यू नो। यस, तो यार बाल बड़े लंबे रखे हुए हैं, कोई बात नहीं छोटे कर ले ना, मेरे को अच्छे लगते हैं। क्यों? मेरे को अच्छे लगते हैं बस। तो टीचर नहीं लगेगा इसमें? ना लगो, शक्ल दिखने से कोई टीचर थोड़ी लगता है जब तक उसके अंदर चौक पकड़ के वो चीजें ना निकले। लग रहा हूं टीचर? लग रहा हूं ना? थैंक यू। सो लॉजिक क्या है? हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें इमोशनली नेगेटिव करती हैं, तो हमें वो नेगेटिविटी खत्म करने के लिए हमें खुद ही अपने आप को हेल्प करना होगा। अपने आप डेली आधा घंटा बातें किया करो। गाना नहीं है वो, एक लाइन है बड़े शायर की, अमिताभ बच्चन साहब की, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती है, तू होती तो ऐसा होता, तू होती तो ऐसा होता। या उल्टा कर दो, मैं और मेरी पढ़ाई अक्सर ये बातें करती है, तू पढ़ेगा तो ये बनेगा, तू पढ़ेगी तो ये बनेगा, तू पढ़ेगा तो ये बनेगा। अफसोस पिछले साल ऐसा हो ना सका, पर इस साल विपिन सर आए हैं, होगा है? ओके, मैं और मेरी पढ़ाई अक्सर ये बातें करते हैं। डरना नहीं है, मैं गुरु गोविंद सिंह जी को बहुत मानता हूं, वो बोलते हैं जबे जबे बान लगे तबे तबे रोश जागे। जब कोई चैलेंज करे ना तो तेरी ऐसी की तैसी, माने करके दिखाना है। अब कई बंदे पता क्या बोलते हैं, बैठ जा, कई बंदे क्या बोलते हैं कि
ये है वो है वो कौन, अच्छा एक चीज बताओ, मेरी जब शक्ल किसी से नहीं मिलती, मेरा फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिलता, तो मैं किसी जैसा क्यों बनूं? भगवान बोलता है तेरे को जमीन पे भेजा है, ठीक है, तेरी मां ने तेरे को 9 महीने अपने गर्भ में रखा है, अब तू 9 महीने मां से सीखा, अब दुनिया में आया है, अब तू साबित करके दिखा तू क्या है। कि मैं तो वो बनना चाहता हूं, कभी नहीं बनना, मैंने तेरे जैसा बनना ही नहीं है, मैंने अपने जैसा बनना है, मेरे अंदर अपनी क्वालिटीज है, मैंने खुद ढूंढना है, मैं हूं कौन, मैं क्या हूं, हु इज मी, व्हाट आई एम, व्हाट आई हैव टू डू। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां से भी पॉजिटिव इमोशनल हेल्थ मिलती है ले लो। एग्रीड? एग्रीड? सो खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। आपको कैसा लगा ये छोटा सा इंटरेक्शन? क्योंकि साइंस होती तो ये मेरा इंटरेक्शन बहुत लंबा चला जाता, वो फिजिक्स के क्वेश्चन पूछते, मैथ्स के क्वेश्चन पूछते, तो मैं आंसर करता, फिर हम लोग कुछ और भी निकल जाते हैं, IITs में ये वो, बट कॉमर्स इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड यू हैव। एक ना NDA के ऊपर जरूर सोचो, अगर किसी को NDA के ऊपर गाइडलाइन चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड यू, लेकिन घर से जाओ, घर से जाओ, जॉब करने के लिए जाओ। अब वो जमाना खत्म हो गया कि आप गांव में हो। पहले क्या होता था, गांव का बच्चा, शहर का बच्चा किसी शादी में चले गए शहर में, तो मम्मी बोलती थी नमस्ते तो कर दे सबको, बेव को फिर बोलती थी ए ना जी पिंडा दे बच्चे हैं, पिंडा जो कुछ नहीं सिखान दे। ओ शहर का बच्चा स्ट्रॉबेरी स्कूल में पढ़ा है, माउंट कैरमल में पढ़ा, हाय डैड, हाय मॉम, गुड मॉर्निंग अंकल, हाउ आर यू, मॉम आई जस्ट वांट अ चॉको चिप्स। पिंड का बच्चा, मम्मी मैं गन्ने का जूस पीऊंगा, मम्मी मैं डक्के वाली कुल्फी खानी है। उजड बेवकूफ, व्हेन वी टॉक इन अवर लैंग्वेज देन वी आर उजड बेवकूफ, व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश, हाय मॉम आई विल टेक चॉको चिप्स, लॉलीपॉप्स, कैंडी क्रश, ये वो, सडनली हम लोग पढ़े लिखे जाते हैं। अब वो जमाना नहीं है, अब एक गांव का बच्चा भी इंटरनेट के थ्रू सब जानता है। यू कैन स्पीक दैट इंग्लिश दैट यू कैन लिव बिहाइंड इंग्लिश, यू कैन टॉक इन इंग्लिश, यू कैन वॉक इंग्लिश, बिकॉज इट इज अ फनी लैंग्वेज। तो यूट्यूब द मैन हु स्टार्टेड यूट्यूब, आई सल्यूट हिम, आपने गजब कर दिया। और जो टीचर्स उस यूट्यूब पे आए हैं, मैं आई सल्यूट देम, आपने गजब कर दिया। उन बच्चों को आपने वो बेस्ट कोचिंग दे दी विदाउट एनी मनी, वो नोट्स बना रहे हैं विदाउट एनी मनी, वो रिजल्ट्स लेके आएंगे विदाउट एनी मनी। ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स बेवकूफ बनाने वाले फोटोग्राफ दिखाते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम ये कर दोगे वो कर दोगे, करना तो भैया वही है जो तुम खुद करोगे। अगर मेरे पास रेसिपी हो, मैं किसी को भी टॉप ला सकता हूं, तो मैं किसी को भी ला सकता हूं, आपको भी ला सकता हूं, नहीं, ये आपकी मेहनत है, मैं तो गाइड कर सकता हूं, हाँ आप मेरे साथ जुड़े रहे, ये मेरी अचीवमेंट्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिंदगी को खुल के जियो, टेंशन फ्री जियो, अपने काम से, काम में अच्छे से 100% दो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी रहो, हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड टेक गुड फूड, गुड डाइट्स, ये तो सुनते रहते हो आप, लेकिन फॉल इन लव विद योर सेल्फ, खुद को प्यार करो, अब से बेस्ट दुनिया में आपका कोई नहीं है। मेरी जब गुरु जब मौत आएगी, तो जो बंदा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो यमराज को बोलेगा कि तू इसकी मौत मुझे दे दे, कोई नहीं बोलने वाला, बोलेगा जल्दी ले जा, राइट। तो हम सब लोग एक रिलेशन में जुड़े हुए हैं, माँ बाप से हमें बेनिफिट मिलते हैं, प्यार मिलता है, तो हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, और टीचर से हमें ज्ञान मिलता है, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी तो ये है बॉस, पंजाबी जी कहते हैं ना, जब तक आप खुद नहीं मर दे स्वर्ग नहीं मिलना, मीन्स जब तक हम खुद अपनी आप को मेहनत में नहीं लाते, मरने का मतलब है मेहनत नहीं करते। मुझे एक बंदे ने पूछा व्हाट इज हार्ड वर्क, मैंने कहा फट्टे पे लिख दे हार्ड वर्क है, कागज पे लिख दे सॉफ्ट वर्क है, मुझे हार्ड वर्क का मीनिंग ही नहीं पता। द वर्क विच यू डोंट एंजॉय दैट इज अ हार्ड वर्क, द वर्क विच यू एंजॉय दैट इज कॉल्ड फन। तो हमेशा फन करो यार, पढ़ाई को भी एंजॉय करो, और आपको YouTube पे बड़े अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे जो आपके स्कूल टीचर्स को हेल्प करेंगे। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। वुड यू लाइक टू कम हियर? यस। एंड वुड यू लाइक टू कम हियर?
First of all, you introduce yourself. Myself, Divya Sharma, and I am a student of class 12th commerce. And city ka naam, school ka naam? And school DAV Ambuja Vidyaniketan Dalaghat. And Divya, kaisa laga ye session? Sir, acha laga. What do you find in this session? Isme kya aapko acha laga? Sir, we should do self studies and we should study on YouTube also. And NDA is also one of the best options. और किसी को कोई ऑप्शन चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप मी, मैं आपको डायरेक्ट स्पेशलिस्ट करियर वालों से पूछूंगा. यस, हाँ जी मैम, आज मैम को बुला लो. सो इन्हीं का पीरियड है मैम का, हाँ बुला लो. वह खत्म हो गया जी, आ जाओ. ठीक है, तो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच. वुड यू लाइक टू से एनीथिंग फाइनल वर्ड्स? ओके, थैंक यू. सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू.